एक तो सबसे बड़ा धोखा कि इस मूवी के अंदर आयरन मैन है भाई साहब। जब इस मूवी के बारे में मैंने सर्च किया तो वहां पर लिखा हुआ था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। अबे एक तो यार ये तुम फेक न्यूज मत फैलाओ यार, मतलब इस मूवी के अंदर आयरन मैन नहीं है। आयरन मैन छोड़ो यार, उनकी फोटो तक भी नहीं है इस मूवी के अंदर। सिर्फ एक जगह नाम जरूर यूज हुआ है कि आयरन मैन की हेल्प ले लो तुम, बस इतना ही है वहां। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए पैसे दिए और काफी ज्यादा पैसे दिए और फिर आपको फील हुआ कि यार नहीं यार इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे, कुछ टाइम बाद शायद सस्ती हो जाती या फिर इसकी जरूरत नहीं थी। सेम मेरे साथ ऐसी फीलिंग हुई जब इस मूवी को मैंने देखने के लिए पैसे खर्च किए और काफी ज्यादा पैसे खर्च किए। मतलब इस मूवी की बजाय मैं 10 मूवीज थिएटर में जाके देख सकता था, इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। काफी टाइम से मैंने रुपए बचा रखे थे कि मानव का एक AU4 करके एक माइक आता है, मतलब जो टेबल पर लगता है काफी अच्छा माइक है, मतलब वो नहीं लिया जा रहा यार मुझे, मैंने ये मूवी देख ली उसकी बजाय। खैर छोड़ो यार, अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। वैसे भी काफी टाइम से इस मूवी का इंतजार था और अच्छा होता कि अगर इस मूवी को थिएटर में देखते, सच में काफी ज्यादा अच्छा होता अगर इस मूवी को थिएटर में देखते तो पैसे बचते। और यार मतलब तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा ब्लैक विडो के बारे में। ऑब्वियसली वो तो टाइटल देख के और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे 18 मिनट काफी ज्यादा लेंथ है। और जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था यार इसके अंदर ऐसा क्या दिखाया जाएगा जो बाकी के जो अवेंजर होते हैं उनके ऊपर पर्टिकुलर जो मूवी बनती है तो इसके अंदर ऐसा क्या खास होगा। कहीं ना कहीं अंदर एक डाउट था कि यार इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है क्या डालेंगे, क्योंकि बाकी के जो अवेंजर हम देखते हैं उनके पास पावर होती है वो जो हिट करते थे, लेकिन यहां पर तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो इस दुविधा में था मैं। तब इस मूवी की स्टोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मेन कैरेक्टर इसके अंदर नताशा, उसकी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया, उसकी फैमिली के बारे में बताया गया कि उसकी एक बहन, मतलब उसकी बहन है रियल। खैर जब आप ये मूवी देखोगे तब समझ जाओगे। बेसिकली इस मूवी के अंदर नताशा उस इंसान को मार देना चाहती है जिसने छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनको हथियार के रूप में कन्वर्ट कर दिया, उनके दिमाग में केमिकल लोचा कर दिया। ये सारा काम वो अपनी बहन, छोटी बहन के साथ, येलेना के साथ मिलकर करना चाहती है। और जो इस मूवी के अंदर जो टाइम पीरियड दिखाया गया वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच जो लड़ाई हो जाती है उस पीरियड को दिखाया गया है। यहां पर जो ब्लैक विडो से कहा जाता है, यानी नताशा से कहा जाता है कि यार जाके तुम एवेंजर से हेल्प क्यों नहीं मांग लेती, आयरन मैन का, जो बेसिकली मैंने कहा ना आयरन मैन का सिर्फ नाम यूज हुआ है, तो यहां पर वो नाम यूज होता है कि जाके तुम आयरन मैन से हेल्प क्यों नहीं मांग लेती। तो यहां पर नताशा कहती है कि आयरन मैन के साथ जो रिश्ते अभी सही नहीं चल रहे हैं। और इसके अंदर और बाकी का एवेंजर ना दिखाया जाना मुझे इसलिए सही लगा क्योंकि यार अगर वो उसके अंदर कोई एवेंजर दिखा दिया जाता तो फोकस ब्लैक विडो से हटकर, यानी नताशा से हटकर उस एवेंजर की तरफ चल जाता है। देखो हर एक कैरेक्टर की अपनी एक लाइफ है, अपनी प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं ये सब दिखाना हमें उस कैरेक्टर को और ज्यादा जानने से को मिलता है। और जैसे इस मूवी की स्टार्टिंग होती है वो एक्शन से भरी होती है और जब इसकी एंडिंग होती है वो भी एक्शन से भरी हुई होती है, यानी लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक पूल ऑन आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। और एक्शन के अलावा इमोशन, कॉमेडी, मतलब इमोशन थोड़ी बहुत है, कॉमेडी भी थोड़ी बहुत है। कॉमेडी के नाम पे जैसे येलेना अपनी बहन, अपनी बड़ी बहन नताशा का मजाक उड़ाते हुए उसके पोज के बारे में कहती है कि तू पोज बार बार सर को ऊंचा करती है, बालों को ऐसे ऊपर करती है, तुझे कहां से सीखने को, मतलब तू अटेंशन ग्रैब करना, ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर एक्शन तो बहुत ज्यादा है, जैसे मुझे पसंद आए एक बाइक चेजिंग सीन होता है, एक गाड़ी वाला चेजिंग सीन होता है, ये काफी ज्यादा मुझे पसंद आए हैं। और जो इसके अंदर स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई वो भी ठीक ठाक है। अब देखो यार इतनी तो अच्छी बातें हो गई, इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यार इसके अंदर जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है। अब आप बात करते हो ब्लैक विडो की, जहां पर एक स्पाई का जो थीम इसमें दिया गया, लेकिन स्पाई वाली जो थीम होती है ना जिसमें डार्क साइड हमें देखने को मिलता है वैसा कुछ नहीं है यार इस मूवी में। मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से थी कि भैया ये जो स्पाई के ऊपर है तो इसके अंदर डार्क साइड, सीरियस, ये सब चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता, एक एवरेज मूवी चलती है ये। इस मूवी के अंदर पंचलाइन काफी अच्छी है लेकिन इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी हो सकती थी, खासकर इसकी एंडिंग को लेकर। यार इतनी चीजें आसान और इजी वे में दिखाई गई एंडिंग, मतलब वो चीज हजम नहीं हुई यार, इतना इजी थोड़ा दिखाना था। एक डिफरेंट एंडिंग मैंने सोची थी यार, सोचा था यार इसके अंदर जो एंडिंग होगी वो थोड़ी सीरियस होगी, थोड़ा सैड फील करवाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। और अब बात करो येलेना नाम के कैरेक्टर की, जहां पर स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हाँ जो शुरू में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं नताशा और येलेना, इनको अलग कर दिया जाता है, तो यहां पर मुझे लगा कि येलेना का भी थोड़ा बहुत पास दिखाया जाएगा, उसने क्या क्या चीजें सही है, कैसे कैसे वो बड़ी हुई है, तो ये सब चीजें देखने को मिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहां पर जो इनके माता पिता दिखाए गए थे, भले ही जो मतलब मैं नहीं बताना चाहता, जो इसके माता पिता जो स्टार्टिंग में मूवी में देखने को मिलते हैं उनका बाद में क्या होता है वैसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा बहुत कम है यार। जैसे स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि दोनों बहनों को अलग कर दिया गया, और दोनों बहनों को अलग करने के बाद सीधा 21 साल बाद क्या होता है इसके इस टाइम पीरियड के ऊपर जंप करती है। यार थोड़ी बहुत मुझे लगा कि यहां पर इनकी ट्रेनिंग, इनके ऊपर क्या क्या टॉर्चर किए जा रहे हैं सब देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जब स्टार्टिंग होती है वो एक्शन से होती है और एक्शन एक्शन बहुत सारे एक्शन भरे हुए हैं। थ्रिलर की सोची थी यार इसके अंदर थ्रिलिंग चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। और इसके अंदर भाई साहब फर्स्ट हाफ तो काफी अच्छा है लेकिन सेकंड हाफ में बहुत सारी कमियां,
यार, जो इसके अंदर विलन दिखाया गया है, मुझे तो हंसी आ रही थी यार, सच में वो विलन है यार, उसको विलन क्यों बनाया है? उसके कोई होना ना होना बिल्कुल एक बात है यार। और जैसे नताशा चाहती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें बिल्कुल आसानी से होती हुई इस मूवी के अंदर हमें दिखती है यार। मैंने कहा ना यार, विलन तो नाम नाम का विलन है, मतलब क्या लेने की जरूरत थी, छोड़ देते ना उसको। और इस मूवी के अंदर कोई भी सस्पेंस नहीं है, मतलब कमाल की बात है, स्पाइक की थीम के ऊपर आधारित मूवी के अंदर सस्पेंस या ट्विस्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? कुल मिलाकर कहूं तो यार देखो, मूवी एकदम बिल्कुल एवरेज है, फ्लैट स्टोरी है, यानी कोई भी अप एंड डाउन नहीं है। एक्शन है, एक्शन काफी अच्छे हैं, उनके बारे में तो कह सकता हूं कि यार वहां पर आप लोगों को पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ दम नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट में थोड़ा बहुत इमोशनल कर देते हैं, जिसमें एक सीन दिखाया जाता है कि भैया हाँ, अब जो नताशा है, जो ब्लैक विडो है, अब वो नहीं रही। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 सर। इतने सारे पैसे दिए सिर्फ और 6.5 की रेटिंग वाली मूवी देखने के लिए, कमाल की बात है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।